हेलो राधे राधे, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बस अभी है सुबह का ही टाइम और अभी मैं नहा कर आई हूँ, तो आज मैंने बाल धुले हुए हैं, तो मैं सीधा बाहर ही आ गई हूँ। अंदर से सिर्फ ग्लिसरीन लेकर, तो यहाँ पर मैं अपने हाथों में लगा रही हूँ ग्लिसरीन, क्योंकि सर्दी बहुत तेज़ लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं धूप में खड़ी हो जाऊँगी, अब छत पर तो नहीं जा रही हूँ अभी मैं, तो इसीलिए मैं सीधा बाहर ही आ गई हूँ, क्योंकि बाहर धूप अच्छी से निकल रही है। बहुत तेज़ धूप है, आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी तेज़ धूप है, तो इसीलिए चेहरा भी नहीं दिख रहा था मुझे। तो बस अब मैं थोड़ा धूप में खड़ी रहूँगी ना, तो सर्दी नहीं लगेगी। और अभी मैंने देखी टॉवल भी नहीं निकाली हुई है बालों में से, तो इस वजह से और सर्दी लग रही थी। तो मैं बालों को भी अच्छे से पानी झड़ा लूँगी टॉवल से। ये देखिए पूरे बालों में अच्छे पानी भरा हुआ है, क्योंकि अभी मैं सीधा बाथरूम में से आई हूँ ना, टॉवल से पानी भी साफ़ नहीं किया था बालों में से, इस वजह से। तो बस अब मैं धूप में खड़ी खड़ी अपने बाल भी थोड़े सुलझा लूँगी, कि जिससे सर्दी ना लगे और बालों का पानी भी निकल जाए। तो इसीलिए वैसे तो मैं क्या करती हूँ कि टॉवल से अच्छे से पानी साफ़ कर लेती हूँ ना, तो फिर कम ही सर्दी लगती है बालों में, लेकिन अभी नहीं किया है मैंने। थोड़ा सा बस झटका ली है अपने सारे बालों को, तो जितना भी पानी था उतना निकल गया। अब रह गया थोड़ा बहुत और जो बालों में, तो वो भी अब धूप की वजह से पूरा सूख जाएगा, तो इसीलिए मैं धूप में आ गई हूँ। नहीं तो वैसे तो छत पे जाती ना तो और भी अच्छे से धूप लग जाती, लेकिन अब छत पर जाना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि अभी सारा काम पड़ा हुआ। अगर छत पर चली गई ना तो 10-15 मिनट लग जाएंगे, मुझे छत पर बैठना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा मैं छत पर बाद में जाऊँगी, जब सारे कामों से हो जाऊँगी फ्री। तो अभी सामने ही धूप अच्छी आ जाती है ना, तो इसी वजह से मैं सामने गेट पर आकर खड़ी हो गई थी, तो धूप में अच्छी से बाल सही हो जाएंगे। और जो सर्दी लग रही थी मुझे बहुत तेज़, तो सर्दी भी नहीं लग रही है मुझे। और यहाँ पर देखिए बाल भी अच्छे से सुलझ गए हैं, इतने सारे बाल भी टूट चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अंदर, बालों को सुलझा लिया है, अब क्लेचर लगाऊंगी और अब जाऊंगी किचन में मैं। तो ये देखिए मैंने क्लेचर लगा लिया है और अब हम चलते हैं किचन में, क्योंकि अभी खाना बनाना है, पूजा वगैरह हो गई है। सारा काम करने के बाद ही मैं किचन में आई हूँ कमरे का। तो बस यहाँ पर अब करूँगी मैं खाने की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल, तो यहाँ पर थोड़ी सी रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि बच्चे लोग मूंग की दाल खाते नहीं है ना, इस वजह से मैंने थोड़ी सी रख दी है, कि जिससे मैं और तिवारी जी दोनों खा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधी कटोरी मूंग की दाल रख दी है, अब इसको रख देती हूँ मैं उबलने के लिए। पहले मैं इसको धोकर ले आती हूँ। तो यहाँ पर धोकर लाकर मैंने इसमें हींग, नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको उबलने के लिए रख दिया है। 3 सीटी में दाल होगी, जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आटा लगा लिया है मैंने। आटा लगाने के बाद मैंने कहा रोटी सेकना शुरू कर देती हूँ, दाल उबल रही है अभी, और दाल उबल जाएगी ना तो इसके बाद फिर मुझे रखना है चावल थोड़े से, क्योंकि आज बनाना है चावल फ्राई करके, इसीलिए। तो यहाँ पर पहले मैं रोटी सेक लेती हूँ, ज़्यादा रोटी नहीं सेकना मुझे, 10 या 12 रोटी सेकना है मुझे। और तिवारी जी को बच्चे खाएंगे चावल, आज सभी लोग घर पर थे, बेटा गया है स्कूल, तो उसके लिए लंच मैंने बना दिया था, तो उसके लिए भी चावल खाएगा तो चावल खा लेगा गर्मा गर्म, और नहीं तो फिर उसके लिए मैं दाल रोटी दे दूंगी खाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ, और जब तक दाल भी अच्छे से उबल जाएगी, मैंने स्लो करके रखा हुआ है गैस को, क्योंकि दाल स्लो में अच्छे से उबल जाती है। अभी तेज में सीटी 4-5 लेनी पड़ेंगी, और स्लो में 3 सीटी में अच्छे से मूंग की दाल हो जाती है, इसीलिए मैंने स्लो करके रखा हुआ है गैस को। और सब्जी देखती हूँ आज, क्योंकि सब्जी कुछ भी नहीं है घर पर, इसीलिए मैं मूंग की दाल बना रही हूँ। वैसे तो मटर टमाटर रखे हुए हैं, मटर भी रखा हुआ है, टमाटर भी रखे हुए हैं, लेकिन मटर टमाटर शाम को ही बनाया था, इस वजह से मैंने अभी नहीं बनाया है। तो बच्चों को मटर टमाटर डाल के चावल फ्राई कर दूंगी, क्योंकि 2-3 दिन से बोल रहे थे, तो मैंने अभी चावल बनाए नहीं थे, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से उनके पापा ने मना किया था। लेकिन अब सर्दी थोड़ी कम हो गई है, तो मैंने कहा चलो मटर भी जाने ही वाली है, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए दाल मैंने निकाल ली है और रख दी है चावल उबलने के लिए।
और दाल आपने देख ली है, बस थोड़ी सी ही बनाई हुई है कि जिससे मैं और तिवारी जी के लिए हो जाए। और बस यहाँ पर मैंने कहा थोड़ा सा आटा यहाँ वहाँ फैला हुआ है, अभी रोटी सेकी है इस वजह से, मैंने कहा पहले गैस साफ़ कर देती हूँ फिर करूँगी चावल चौंकने की तैयारी। जब तक कुकर में आ जाएंगी सीटी, 3 सीटी में चावल भी अच्छे से पक जाते हैं और तेज़ी ही है गैस, इसमें स्लो करने की ज़रूरत नहीं है, तेज़ गैस में ही 3 सीटी लगेंगी और चावल अच्छे से पक जाएंगे। और यहाँ पर मैंने गैस भी साफ़ कर दिया है और गैस स्टैंड दोनों को साफ करने के बाद मैं करूँगी चावल छौंकने की तैयारी। ये देख लीजिए गैस स्टैंड भी साफ, दोनों हो गए हैं अच्छे से साफ, तो ये काम भी मेरा हो गया है, गैस साफ भी हो गया है। अब मुझे दाल छौंकना है बस जीरे से और चावल फ्राई करना है, तो फिर इतना नहीं होगा फैला, मतलब फैलना यहाँ पर, इसीलिए मैंने पहले ही साफ कर दिया है। और बस यहाँ पर देखिए गैस साफ करने के बाद अब मैं कर रही हूँ चावल छौंकने की तैयारी। तो अभी कुकर में सीटी भी नहीं आई है तो फटाफट से पहले मैं थोड़ी सी मटर को छील लेती हूँ। ये देखिए 1 सीटी आ गई है, अब 2 सीटी और फटाफट से आ जाएंगी अभी, तो इसीलिए मैं फटाफट से सारी मटर को छील ले रही हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है, और फिर कट करूँगी टमाटर और प्याज नहीं डालूँगी, बस जीरे में ही चावल को फ्राई करूँगी। तो बस यहाँ पर मटर भी छिल गई है फ्रेंड्स, थोड़ी सी, ज़्यादा मटर नहीं डालूँगी, बस थोड़ी सी ही मटर डालूँगी, मटर बहुत मीठी है, इतनी मटर डालने में चावल बहुत टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 सीटी होने वाली हैं कुकर की, तो मैंने गैस बंद कर दिया है और बस जब तक सीटी लग चुकी हैं और थोड़ा ठंडा होगा ना, गैस निकल जाएगी ना कुकर की, तो तब तक और मैं मटर को छील लेती हूँ, फिर रखूँगी कढ़ाई और चावल छौंकूँगी। और बस यहाँ पर फ्रेंड्स मटर छिल चुकी थी तो मैंने रख दी है कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया है तेल, तो तेल गरम होगा, इसके बाद डाल दूँगी मैं उसमें जीरा राई और थोड़ी सी दाल को मुझे छौंका लगाना है जीरा राई से, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा तेल डाला हुआ है और ज़्यादा ही डालूंगी मैं जीरे। तो यहाँ पर देखिए अभी भी कुकर में गैस भरी हुई है, अभी देखी मैंने चेक करके तो अभी गैस पूरी तरीके से नहीं निकली है, तो पहले मैं यहाँ पर दाल को छौंक देती हूँ, बस थोड़े से जीरे राई से छौंकूँगी, वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं डालना। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और बस उसी को मैंने छौंका लगा दिया है, तो दाल अच्छी लगेगी। और थोड़ा सा डाल लेंगे हम इसमें घी। और यहाँ पर मैंने मसाला डालने के बाद डाल दिए हैं टमाटर, और ये देखिए टमाटर डालने के बाद डाल दी मैंने इसमें मटर, तो मटर फट से पक जाएगी क्योंकि मटर बहुत अच्छी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। और मुझे मसाला थोड़ा सा कम लग रहा था क्योंकि बच्चों को तीखा चावल बहुत अच्छे लगते हैं, अगर थोड़ी सी भी मिर्ची कम करूँगी ना तो बच्चों को पसंद नहीं आएंगे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा मसाला और बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए टमाटर भी पक चुके हैं और मटर तो पक ही चुकी है क्योंकि मटर बहुत अच्छी है, जल्दी से पक जाती है। और यहाँ पर बस अब मैं डाल दूँगी इसमें चावल, तो ये देख लीजिए मैंने थोड़े से चावल डाल दिए हैं और थोड़े थोड़े करके सारे चावलों को मैं मिक्स कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने आधे चावल डाल दिए हैं, आधे चावल और डालूंगी, तो बस हमारे बच्चों के लिए गर्मा गर्म चावल अच्छे लगते हैं, तो बस फिर उन दोनों को बुलाकर मैं दे दूंगी खाने के लिए। और बच्चों को थोड़े से गीले ही चावल अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने गीले ही चावल बनाए हुए हैं, खिले वाले नहीं, जो पुलाव बनता है ना उस। और यहाँ पर सारे काम से मैं फ्री हो गई थी, तो यहाँ पर देखिए कचड़ा गाड़ी कितनी लेट आई है, तो मुझे कचड़ा भी डालना पड़ा, क्या करें इतनी लेट आती है तो डालना ही पड़ेगा। अब एक दिन का काम हो तो ठीक है, रोज़ ही लेट आती है, जब सारा काम हो जाता तभी आती है, तो रोज़ ही यही काम है मेरा, कचड़ा डालना ही पड़ता है नहाने के बाद भी। और बस फिर मैंने कहा अभी मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो लड्डू खा लेती हूँ,
और यहाँ पर मैं खा रही हूँ लड्डू। तो बस आज का वीडियो यहीं पर करूँगी एंड कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो बस यहाँ पर लड्डू खाने के बाद थोड़ी सी देखूँगी मैं टीवी और फिर जाऊँगी ऊपर छत पर कपड़े वगैरह उठाने के लिए। और आज का वीडियो यहीं पर करूँगी एंड। राधे राधे।